डीजल लेने आने के बाद में ये हमारे कुप्पा लेके आया, हमने मतलब उसको पलटा के भी लेके आया। ठीक, उसके बाद पलटा के लेके आने के बाद में जब हम यहाँ से डीजल लेके गए, जनरेटर वालों को दिया, जनरेटर वालों ने डाले से वही वो डाले से, बोले कि यार ये तो प्योर नहीं है, बोले कि ये तो मिक्स है यार, केरोसिन मिक्स है, बहुत ज्यादा केरोसिन है, मैं तो नहीं डालूंगा, मेरा मशीन खराब हो जाएगा। प्रदेश के हरदा जिले में डीजल में मिलावटखोरी का मामला सामने आया है, जहाँ पर आदिवासी गाँव मोरगढ़ी में एक पेट्रोल पंप पर जब जयस संगठन के कार्यकर्ता जनरेटर में 5 लीटर डीजल डलाने पहुंचे, तो पाया कि डीजल से मिट्टी के तेल की खुशबू आ रही है, तो उन्होंने इसकी शिकायत कलेक्टर और एसपी से की, जिसको लेकर फूड विभाग के अधिकारी कर्मचारी पंप पर पहुंचे और जांच करने के बाद कार्रवाई की। ये आज हमने कार्यक्रम रखा था रघुनाथ सा शंकर सा जयंती बलिदान दिवस पर, तो जनरेटर में डीजल डालने के लिए हमने डीजल बुलवाया था पेट्रोल पंप मोरगढ़ी से, जो कि वहाँ ले जाने के बाद हमें पता लगा है कि भाई इसमें जो केरोसिन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इसलिए हम यहाँ पे पेट्रोल पंप में वापस रिटर्न आए और जो पेट्रोल पंप के जो प्रबंधक हैं उनसे बोला भी, तो उन्होंने बोला कि भाई आप लोगों का कोई शंका हो तो जांच कर लो। तो कितने लीटर डीजल लिया अपन ने? हमने 5 लीटर डीजल लिया, उसकी रिसीव हुई है। कि काय के लिए लिया था अपन ने? ये आज कार्यक्रम है तो जनरेटर में। जनरेटर में तो कैसे शंका हुई कि इसमें घासलेट मिला हुआ है? घासलेट की स्मेल आ रही है ना, तो इसके लिए किसको करी शिकायत अपन ने? इसके लिए हमने कलेक्टर साहब, कलेक्टर महोदय को फ़ोन भी लगाया था, तो उनके द्वारा ये जो जांच टीम है ये भेजी गई है। रसीद मिली है तुमको इसकी डीजल की? हाँ जी, डीजल की रसीद भी है। आप आगे क्या चाहते हो? आगे तो हम ये चाहते हैं कि जब तक इसकी जांच पूरी नहीं होती, जब तक रिपोर्ट नहीं आती, तब तक इसका नाम है पूरा मोरगढ़ी में जो पंप है इंडियन ऑयल का, अपूर्व फ्यूल पॉइंट पूरा नाम है उसका। कौन हो आप इसमें? मैं मैनेजर हूँ। क्या घटना हुई आज? घटना ये हुई कि कुछ लोग हैं आदिवासी संगठन के, वो यहाँ पे कुछ कार्यक्रम चल रहा है जयस का, जयस का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कुछ लोग आए हैं, उन्होंने बॉटल में डीजल लिया है, उसमें आरोप लगाया है कि इसमें डीजल के साथ में केरोसिन मिक्स है। तो इसकी क्या आगे क्या कार्रवाई हो रही है? उन्होंने शिकायत आगे कलेक्टर साहब से की है, एसडीएम साहब से की है, वहाँ से अधिकारी कर्मचारियों का जांच दल आया हुआ है, वो जांच कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा भी है कि अगर मैं गलत पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाए, अगर नहीं पाए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिन्होंने शिकायत की उन पर कार्रवाई की जाए। ठीक, क्या शिकायत मिली थी? आज दूरभाष पे यहाँ की शिकायत मिली थी कि डीजल अमानक स्तर का बेचा विक्रय किया जा रहा है, इसलिए डीजल की जाँच करने के लिए हम लोग यहाँ आए। और क्या क्या पाया गया अभी तक? डीजल में हमने ये पाया कि स्टॉक तो इनका सही मिला है, लेकिन इसका प्रारंभिक रूप से डेंसिटी और स्टॉक की पोजीशन ज्ञात करने के बाद में हम लोगों ने इसके सैंपल लिए हैं, और सैंपल लेने के बाद में इनको लेबोरेटरी भेजेंगे निर्धारित मानक की जांच करवाने के लिए। प्रथम दृष्टया क्या पाया गया जो आदिवासी संगठन ने शिकायत करी है? नहीं, अभी तो लेबोरेटरी जांच कर पाती है इसकी कि ये डीजल अमानक स्तर का कि मानक स्तर का, इसको सैंपल करके हम जो निर्धारित लेबोरेटरी वहाँ भेजेंगे और वहाँ से जांच रिपोर्ट आएगी, तदनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। अभी क्या रहेगा, पंप चालू रहेगा कि नहीं? अभी अभी तो जांच की कार्यवाही चल ही रही है, अभी अभी तो डीजल का सैंपल लिया है, अभी और पेट्रोल की जांच और करने के बाद वस्तु स्थिति पता लगेगी। मामले में कौन सही है और कौन गलत ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। वहीं अधिकारी सुरेश वर्मा ने भी साफ कर दिया है कि पेट्रोल डीजल के सैंपल ले लिए गए हैं और कुछ ही समय में रिपोर्ट सामने आ जाएगी, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदा से राकेश खरका की रिपोर्ट। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।